तो भाई लोग रियलमी ने फाइनली आज इंडिया में लॉन्च कर दिया रियलमी 9 प्रो को। रियलमी 9 प्रो जिस प्राइस के आसपास आते हैं उसी प्राइस के आसपास देखा जाए तो वीवो की तरफ से भी एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है वीवो T1। इसलिए बहुत सारे भाई लोग बहुत कन्फ्यूजन में है, दोनों स्मार्टफोन से कौन सा स्मार्टफोन को बाई करा जा सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ ये दोनों स्मार्टफोन का डिटेल्स कंपैरिजन। कैमरा बोल सकते हो, गेमिंग बोल सकते हो, डिस्प्ले बोल सकते हो, और फीचर्स लेकर डिटेल्स कंपैरिजन करूँगी। और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कौन सा स्मार्टफोन होने वाला है आपके लिए बेस्ट। वो जानने के लिए वीडियो को स्किप मत करके एंड तक ज़रूर देखते रहना। तो चलिए बिना टाइम लेते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो भाई चलिए सबसे पहले मैं लुक से स्टार्ट करना चाहता हूँ। लुक जो मुझे अच्छा लगा वह है रियलमी 9 प्रो का, क्योंकि यहाँ पे बैक साइड में मिल रहा है पॉली कार्बोनेट का बॉडी। पॉली कार्बोनेट बॉडी होने के बाद भी ग्लॉसी फिनिशिंग डिजाइन रहने वाला है। और कुछ दिन पहले वीवो ने लॉन्च किया था जो कलर चेंजिंग सिस्टम वाला स्मार्टफोन, और यहाँ पे भी आपको सेम टाइप की लुक देखने को मिलता है। और बैक साइड में ट्रिपल कैमरा का सेटअप, एलईडी फ्लैश, और यहाँ पे रियलमी का लोगो, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, और स्मार्टफोन आने वाला है फुल व्यू डिस्प्ले के साथ। जबकि यहाँ पे वीवो T1 के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी रहने वाला है पॉली कार्बोनेट बॉडी। पॉली कार्बोनेट बॉडी होने के बाद भी ग्लॉसी फिनिशिंग डिजाइन देखने को मिलता है, लेकिन इतना अच्छा लुक आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पे भी बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा का सेटअप, एलईडी फ्लैश, और यहाँ पे आपको वीवो का लोगो देखने को मिलता है। स्मार्टफोन भी आने वाले साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, और यहाँ पे वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो लुक जो मुझे अच्छा लगा ऑब्वियसली रियलमी 9 प्रो का, ऐसे भी आपको कौन सा लुक पसंद आ रहा है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और आप चलते हैं डिस्प्ले की तरफ। डिस्प्ले भी मुझे अच्छा लगा वह है रियलमी 9 प्रो का, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्प्ले रहने वाला है 6.6 इंच फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का IPS डिस्प्ले, जहाँ पे रहता है फुल व्यू डिस्प्ले, क्योंकि यहाँ पे आपको साइड में एक 500 सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। और इसका बेजल्स नीचे जो चेन काफ़ी छोटा होने वाला है। फ्रंट साइड में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है, और यहाँ पे 120Hz हायर रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे व्हाइट एलॉन का सपोर्ट भी रहने वाला है। और यहाँ पे वीवो T1 के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी जो डिस्प्ले रहने वाला है 6.58 इंच फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का IPS डिस्प्ले। लेकिन एक बार दोस्तों, स्मार्टफोन आने वाला है वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ। 2022 का जमाना चल रहा है दोस्तों, और यहाँ पे वीवो वाटर ड्रॉप नॉच के साथ डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगा ऑब्वियसली। तो ऐसे भी दोस्तों, आपको वाटर ड्रॉप नॉच पसंद आता है कि नहीं वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और यहाँ पे भी फोन साइड की तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे भी व्हाइट एलॉन का सपोर्ट रहने वाला है। 120Hz हाई रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है। देखा जाए तो दोनों स्मार्टफोन का वीडियो क्वालिटी, डिस्प्ले क्वालिटी अच्छा रहने वाला है, लेकिन वीडियो देखने का जो एक्सपीरियंस आपको बेटर मिलेगा वो है रियलमी 9 प्रो के अंदर, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन आने वाला है फुल व्यू डिस्प्ले के साथ। और परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको सेम ही चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 695 चिपसेट, 6nm का चिपसेट है, काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। अगर आपने दोनों स्मार्टफोन के अंदर कोई भी गेम खेलना चाहते हो, बहुत अच्छी तरीके से गेम को प्ले कर सकते हो। कोई भी लैग वगैरह आपको दोनों स्मार्टफोन के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। गेमिंग परफॉर्मेंस ऑब्वियसली दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको बहुत बढ़िया सा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे वीवो T1 का जो बेस्ट रैम वेरियंट होने वाला है 4GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज, और यहाँ पे जो रियलमी 9 प्रो का बेस्ट रैम वेरियंट होने वाला है 6GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज। यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के अंदर LPDDR4X रैम मिलता है, UFS 2.2 स्टोरेज दोनों स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल जाता है। और चलते हैं अब कैमरे की तरफ। कैमरा में यहाँ पे बाजी मारने वाला है जो रियलमी 9 प्रो, क्योंकि यहाँ पे बैक साइड में रहने वाला है ट्रिपल कैमरा, जो 64MP का मेन सेंसर और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2MP का डेप्थ सेंसर। सेल्फी के अंदर 16MP का सेल्फी कैमरा। जबकि यहाँ पे बात करते हैं वीवो T1 के बारे में, यहाँ पे जो कैमरा रहने वाला है बैक साइड की तरफ ट्रिपल कैमरा, 50MP का मेन सेंसर एंड दो सेंसर। सेल्फी के अंदर 16MP का सेल्फी कैमरा। तो बैक साइड की तरफ कैमरा ऑब्वियसली आपको अच्छा देखने को मिलेगा जो रियलमी 9 प्रो के अंदर, लेकिन जो सेल्फी कैमरा दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको लगभग सेम ही देखने को मिल जाएगा। और दोनों स्मार्टफोन का बैटरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी रियलमी 9 प्रो बाजी मारने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी रहने वाला है और 33W का फास्ट चार्जर।
और यहाँ पे वीवो टी वन के बारे में बात करें तो यहाँ पे 5000 mAh तो बैटरी रहने वाला है और 18 W का फास्ट चार्जर मिल रहा है स्मार्टफोन के अंदर। तो बैटरी बैकअप दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको लगभग सेम देखने को मिलेगा, लेकिन जो ज़्यादा पावरफुल एडाप्टर मिल रहा है रियलमी 9 प्रो के अंदर। और आप चलते हैं दोनों स्मार्टफोन का प्राइस की तरफ। रियलमी 9 प्रो इंडिया में लॉन्च हुआ है जो 6 GB रैम के साथ 128 GB स्टोरेज जो 18,000 rupees के अंदर, और वीवो टी वन इंडिया में लॉन्च हुआ है जो 4 GB रैम के साथ 128 GB स्टोरेज जो 16,000 rupees के अंदर। और आप बात करते हैं कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट होने वाला है, तो दोस्तों मैं तो कहूँगी आप 2000 ज़्यादा देकर Realme 9 Pro को लीजिए, आपके लिए अच्छा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जो लुक प्रोवाइड करे काफ़ी बढ़िया सा फुल व्यू डिस्प्ले के साथ आने वाला है, और जो यहाँ पे कैमरा जो बैक साइड की तरफ आपको बेटर देखने को मिलता है, 33 W का एडाप्टर भी मिल रहा है, 6 GB रैम भी देखने को मिल जाता है। आप Realme 9 Pro के पास ज़रूर जा सकते हो। ये दोनों स्मार्टफोन से जो सबसे अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है वो है Realme 9 Pro। ऐसे भी दोस्तों आपको क्या लगता है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर एक लाइक कर देना, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले न्यू फेस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।